बसम्स अल्लाम स्टूडेंट्स पिछले लेक्चर में हमने कवर किया था सेल टैक्स लाइबिलिटी डिटर्मिनेशन और वो बिल्कुल बेसिक कन्सेप्ट था उसमें मैंने लोकल सप्लाईज़ को एज़्यूम किया था आज हम टैक्सेबल सप्लाई के डेफ़िनेशन को दोबारा डील करेंगे टैक्सेबल सप्लाईज मींस द सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स मसलन ये सप्लाई है टैक्सेबल गुड्स की अच्छा इस डेफिनेशन में उसने हमें ये बताया था कि टैक्सेबल गुड्स में शामिल है एंड इंक्लूड्स अ सप्लाई ऑफ गुड्स द रेट ऑफ जीरो अंडर सेक्शन फोर यानी कि कहता है टैक्सेबल सप्लाइज में एक तो वो सप्लाइज शामिल होंगी जिनके ऊपर सत्रह परसेंट का रेट इंप्लीमेंट होता है दूसरा इस टैक्सेबल सप्लाइज में बच्चों वो सप्लाई शामिल होगी जो कि एज़ पर सेक्शन नंबर फोर जीरो रेट पे इंप्लीमेंट हो रही है अब सेक्शन नंबर फोर है क्या तो जी ये है सेक्शन नंबर फोर जो कि कहता है जीरो रेटिंग सप्लाइज

गुड्स जो है स्पेसिफाइड हैं फिफ्थ शेड्यूल में उनकी सेल करेगा तो सेल टैक्स का जो रेट है वो जीरो परसेंट अप्लाई करके तो इनको बेचेगा सप्लाई ऑफ स्टोर्स एंड फॉर कंजम्पन अप्रोड प्रोसीडिंग टू अ डेस्टिनेशन आउटसाइड पाकिस्तान एज स्पेसिफाइड इन कस्टम एक्ट नाइनटीन सिक्सटी नाइन कहता है स्टोर्स एंड फॉर कंजम्पन खाने पीने की अशिया जो कि आप किसी कन्वेंस को प्रोवाइड करते हैं और उस कन्वेंस ने चले जाना है पाकिस्तान से बाहर कहता है जितनी भी ये सप्लाई होगी इसको ज़ीरो परसेंट के साथ आप सेल टैक्स रिकवरी करेंगे जैसे बिल फर्ज़ यार एक पीआईए का जहाज़ खड़ा है या कोई फ़लाई दुबई का जहाज़ खड़ा है उसको जो भी स्टोर एंड प्रव हम अप्लाई कर रहे हैं और इस कन्वेंस ने आउटसाइड पाकिस्तान चले जाना है तो कहता है ये सारी की सारी सप्लाई जो है आप जीरो परसेंट पे चार्ज करेंगे सच अदर गुड्स इन गुड्स के अलावा सच अदर गुड्स एज द गवर्नमेंट मे स्पेसिफाई बाय नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गज़ट कहता ऊपर वाली चीज़ें तो हमने समझा दी उसके बाद अगर कल कलाँ को हमने कह दिया कि ये फलां चीज़ भी जीरो परसेंट के साथ आपने टैक्स कवर करना है तो कहता वो शामिल की जाएंगी और ऐसी चीज़ों के बारे में फेडरल गवर्नमेंट ऑफिशियल गज़ट गौर्न, में स्पेसिफाई करते रहेगी यानी कि ये बचे उसने बता दिया कि ये जो गुड्स होंगी ये एट द रेट ऑफ जीरो परसेंट तुमने सेल टैक्स की कलेक्शन करनी इनके ऊपर अब कहता है जी फेडरल गवर्नमेंट में इशू नोटिफिकेसन इन दिस रिगार्ड वेन एवर सर्कमस्टांसिज एग्जिस टू टेक द इमिजिएट एक्शन फॉर द पर्पज़ ऑफ नैचुरिटी नेचुरल डिजास्टर नेशनल फूड सिक्योरिटी इन एमरजेंसी सचुएशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बाईलेटरल एंड मल्टी लेट्रल अग्रीमेंट्स कहता है फेडरल गोर्नमेंट ये जो नोटिफिकेसन वगैरह इशू करती है ना जीरो परसेंट वाला कहता है ये इन सरकमस्टांसिस में गुड्स के ऊपर इशू कर देती है एमरजेंसी हो या फॉरन किसी अग्रीमेंट को कम्पला बाय करना हो तो फेडरल गवर्नमेंट के पास इख्तियार है किसी भी गुड्स को जीरो रेटिंग में लेके आ सकती है परवियंस रिलेटिंग टू द जीरो रेटिंग शेल नॉट अप्लाई इन रिस्पेक्ट ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स कहता है ये जो मैं सप्लाई ऑफ गुड्स बताने जा रहा हूँ सेल बताने जा रहा हूँ ऐसी सेल के ऊपर कहता तुमने कभी भी जीरो अप्लाई नहीं करना तुमने सत्रह अप्लाई करना वो कौन सी गुड्स हैं विच आर एक्सपोर्टेड बट हैव बिन आर इंटेंडेड टू बी री इम्पोर्टेड इन टू पाकिस्तान कपड़ा हमने दुबई भेज दिया उसके ऊपर प्रिंटिंग के लिए और वापस वो पाकिस्तान में आना कहता है ऐसी जो सप्लाई है तुमने कभी भी इसके ऊपर जीरो परसेंट चार्ज नहीं करना सेवनटीन परसेंट चार्ज करना हैव बिन इंटेड फॉर एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए एंटर की गई सप्लाई अंडर द कस्टमर एक्ट बट नॉट एक्सपोर्टेड वो एक्सपोर्ट ही नहीं हुई आर हैव बिन एक्सपोर्टेड टू फेडरल गवर्नमेंट ऐसी कंट्री को एक्सपोर्ट की गई जो कि फेडरल गवर्नमेंट ने मना किया था ना करना लेकिन फिर भी उसको एक्सपोर्ट की तो कहता है उसके ऊपर जीरो परसेंट नहीं बच्चे उसके ऊपर लगाना सत्रह परसेंट ये था कंसेप्ट कि जीरो रेटेड सप्लाई जो होती हैं वो कौन सी होती हैं जो फिफ्थ शेड्यूल में स्पेसिफाई की जाए जो गुड्स एक्सपोर्ट की जाए सप्लाई ऑफ स्टोर्स स्टोर जो परवस हैं फॉर कंजम्पशन ऑफ कंजम्पन ये होती है बच्चे जीरो रेटेड अब नूमेरिकली इनकी क्या रिप्रेजेंटेशन है और मसला क्या आता है वो देखते हैं जरा अच्छा ये देखें ये एक बिजनेसमैन है मैंने इससे रेकेड मांगा लाओ यार अगस्त महीना गुजर गया लाओ तुम्हारी रिटर्न फाइल करें इस बिजनेसमैन ने मुझे बताया कि सर ये एक्सपोर्ट मैंने की है मेरी जितनी भी सप्लाइज हैं सारी की सारी एक्सपोर्ट है और वो थर्टी मिलियन की एक्सपोर्ट है उसके बाद इस एक्सपोर्ट को करने के लिए मैंने परचेजेस जो है टैक्सेबल गुड्स फ्राम रजिस्टर्ड पर्सन मैंने परचेज की और उसके बाद टैक्सेबल गुड्स फ्राम अनरजिस्टर्ड पर्सन है इस रैकेट की बेस के ऊपर बच्चों हम अपने थ्री स्टेप्स लगाएंगे सबसे पहला हमारा स्टेप होता है आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी कैलकुलेशन तो ये देखें डी एड स्टूडेंट्स हमने आउटपुट टैक्स कैलकुलेशन का फर्स्ट स्टेप परफॉर्म किया इसमें सबसे पहले हमने लिखा एक्सपोर्ट सप्लाई की जगह एक्सपोर्ट लिखा वैल्यू ऑफ सप्लाई जो थी वो थर्टी uh, की मिलियन की हमने थर्टी पॉइंट फाइव मिलियन की और देखो जीरो रेटेड है ना लॉ ने हमें कहा था कि इस सप्लाई की वैल्यू को तुमने सेल टैक्स जो है जीरो रेट पे अप्लाई करना है जीरो रेट पे कलेक्शन करनी है तो कलेक्शन कुछ भी नहीं हुई तो गवर्नमेंट के लिहाज बिहाफ पे मैंने कस्टमर से कोई कलेक्शन नहीं कर पाया क्योंकि ये जीरो रेटिंग सप्लाई थी अब

इसी तरह सप्लाइज सप्लाई अनरजिस्टर्ड पर्सन परचेज की लेकिन इसका कोई बेनिफिट नहीं होगा रजिस्टर्ड पर्सन को क्योंकि इसके पास टैक्स इनवाइस ही नहीं होगी जो कि ये क्लेम कर पाएगा इसलिए ये इन एडमिजल है इसके बारे में बाद में भी पढ़ेंगे कि परचेज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन इन एडमिजिबल होती है इसके ऊपर कोई क्लेम नहीं मिलता अब सेल टैक्स लाइबिलिटी की डिटर्मिनेशन की तरफ जाते हैं बच्चों देखो सेल टैक्स कलेक्शन तो कोई भी नहीं हुई लेकिन जो सेल टैक्स की जो इसका क्लेम है इनपुट टैक्स का क्लेम जो कि मैंने यार पे किया है ऐसी गुड्स के ऊपर जो मैंने तो यूज ही नहीं करनी मैं तो बस इस नेटवर्क में आया मैंने एक एक साइड से परचेज की और इधर से एक्सपोर्ट कर दी इसका मतलब कलेक्शन तो है ही नहीं तो चलो इसके बारे में लॉ से पूछते लॉ क्या कहता है हमें इसकी ट्रीटमेंट क्या होगी फिर रिफंड ऑफ इनपुट टैक्स जीरो इनपुट टैक्स के बारे में हमें इंफॉर्मेशन बताने जा रहा है ऐसी सप्लाईज के ऊपर जो जीरो रेटेड होगी इफ द इनपुट टैक्स पेड बाय द रजिस्टर्ड पर्सन देखा हमने पेमेंट की है इनपुट टैक्स की इफ द इनपुट टैक्स पेड बाय द रजिस्टर्ड पर्सन ऑन टैक्सेबल परचेजेस मेड ड्यूरिंग अ टैक्स पीरियड एक्सीड्स द आउटपुट टैक्स ऑन अकाउंट ऑफ जीरो रेटेड सप्लाईज ऑन अकाउंट ऑफ जीरो रेटेड लोकल सप्लाईज आर एक्सपोर्ट मेड ड्यूरिंग दैट पीरियड कहता अगर एक रजिस्टर्ड पर्सन वो टैक्स पे करता है बेचारा रजिस्टर्ड पे लेकिन वही सप्लाइज को वो बंदा या तो लोकल सप्लाइज में जीरो रेटिंग पे दे दे जैसा कि उसने कहा था सप्लाई ऑफ स्टोर या इनको एक्सपोर्ट कर दे तो इसके नतीजे में क्या होता है कहता है उसका आउटपुट टैक्स तो नील हो जाता है लेकिन इनपुट टैक्स में इसका क्लेम होता है फिर नेक्स्ट हमें क्या कहता है जी एक्सेस एक्सेस अमाउंट ऑफ इनपुट टैक्स शेल बी रिफंडेड टू द रजिस्टर्ड पर्सन नॉट लेटर देन 45 डेज ऑफ द फाइलिंग ऑफ रिफंड क्लेम इन सच मैनर एंड सब्जेक्ट टू द सच कंडीशन एज द बोर्ड में स्पेसिफाई तो कहता है जी टेंशन लैन की जरूरत नहीं ऐसा जो इनपुट टैक्स होगा वो तुम में वापस कर दिया जाएगा पैंतालीस दिनों के बाद कौन से 45 दिनों के बाद यार कहता है ये जब तुमने रिटर्न जमा करवानी है ना पंद्रह को हम रिटर्न जमा करवाते हैं लेट्स सपोज तो कहता है इस पंद्रह के आगे 45 दिन बाद तुम्हें ये पैसे हार्ड कैश मिल जाएगा ठीक है तो ये ट्रीटमेंट लॉ ने बता दिया कि इन केस जीरो रेटेड सप्लाईज हो आपका जो इनपुट टैक्स इसके ऊपर लगा है आपको उसके पैसे मिल जाने हैं अब देखना मैं क्या करता तो डियर स्टूडेंट यहां पे हमने तो अप्लाई नहीं करना सेक्शन एट बी जो कहता था 90 परसेंट ऑफ आउटपुट टैक्स इसका मतलब हमारा आउटपुट टैक्स तो है ही नहीं ये देखो सेल टैक्स लाइबिलिटी डिटर्मिनेशन इसमें हमने लिख दिया क्लेम ऑन ज़ीरो रेटेड कि सिर्फ और सिर्फ हमारा क्लेम है हमारे पैसे हमें वापस चाहिए जो 3.4 मिलियन हमने पे किया था इनपुट टैक्स के लिहाज से वो हमें वापस मिल जाए होपफुली ये आपको वीडियो पसंद आई होगी नेक्स्ट जो है मैं अपनी वीडियो बनाऊँगा उसमें मैं ज़ीरो रेटेड और लोकल सप्लाइज को मिला के एक नमेरिकल करूँगा उससे मजीद आपका कंसेप्ट क्लियर होगा क्योंकि उसमें सेक्शन एट बी की इम्प्लीमेंटेशन भी साथ आएगी अपना ख्याल रखिएगा वीडियो में कमेंट लाजमी कीजिएगा अल्लाह हाफिज